एसबीआई खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो देश भर में एक कंपटीशन का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। परंपरागत खेलों को जितना बढ़ावा देंगे, उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ, कल को मलकम की बात करें, थंगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियाँ हो या बेटे हों, हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं कोई पीछे नहीं रहता। कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर्स की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इनको ज़रूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। खेलो इंडिया के और भी आयोजन और भव्य आयोजन भविष्य में भी होंगे। मैं रोहतक से हूँ, मेरा शुरू से ही बैडमिंटन में ही बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। प्रेशर नहीं लिया था, बस यूँ सोचा था कि अच्छा खेलना है।
पूरा मैच ही बहुत ज़्यादा टफ रहा, जिसमें कभी वो आगे निकली कभी मैं, और मैं तो पूरे मैच सेकेंड सेट तक 18 पॉइंट तक मैंने ट्रेल किया। मेडल को जीतने के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ी। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो भी बंदे हैं और सारा पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर हरियाणा के प्लेयर्स को, इसीलिए ही सर, वरना इतने सारे मेडल्स नहीं आते। खेलो इंडिया की टैली में भी हरियाणा के मेडल सबसे ज़्यादा हैं, तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, और वो हरियाणा गवर्नमेंट ही है। हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये इस वजह से है कि पूरे देश के मानचित्र पे हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में अपना एक अलग से स्थान बनाया है। और ये जो यहाँ पर आयोजन है, जो कि यूथ यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो हमारे स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं, उनको अपनी प्रतिभा उभारने का एक ये सुअवसर प्राप्त होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो खिलाड़ी यहाँ से विजेता होकर जा रहे हैं, आने वाले वर्षों में वो प्रदेश और देश का नाम अपने अपने खेल में रोशन करें। ये एक बड़ा अनूठा यहाँ पर आयोजन है, जिसमें कि केवल खेल का आयोजन नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश की प्रगति और हरियाणा के की संस्कृति के बारे में, हरियाणा के लोगों के बारे में, जो अन्य प्रदेशों से लोग आए हैं, उनको इससे अवगत कराने का ये एक बड़ा अच्छा अवसर है। और इससे देश के विभिन्न प्रदेशों की आपस में जो मेलजोल और देश की अखंडता को कायम रखने में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किसने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज, राजनीति में हुआ अनूठा एक नया आगाज, कुंडू का जनसेवक मंच बना जनजन की आवाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ, तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।